साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ था मैं तो कहां जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। मॉर्निंग। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास यहाँ आ जाऊं। फिर तो तुम बिल्कुल गलत जगह आ गए। यहाँ तुम्हें बोरियत के साथ साथ कुछ ही देर में बेजारियत भी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा तुम कोई ढंग का काम कर लो जाके। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ना तो मुझे बोरियत होगी ना ही बेजारियत। अंके आपका हाथ बिठाऊंगी तो मुझे खुशी होगी। खबरदार जो तुमने किसी भी चीज को हाथ लगाया। क्यों मामा? उफ़ो, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं। बेटा तुमने अपने हाथों की मेहंदी देखी? ये मेहंदी कितनी प्यारी है ना, अभी तो इसका रंग भी फीका नहीं पड़ा। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा, जब इस मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा तब आके तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। और वैसे भी उम्र पड़ी है बेटा इस कैद खाने में जिंदगी बिताने के लिए, फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ेगा। चल अब जाओ यहाँ से। तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते? नो प्लीज, अब तुम मुझे तंग कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से नमक और मसाले जरा से भी तेज हो गए ना तो फोहड़पन के अलकाबाद से मुझे नवाजा जाएगा, और फिर मैं रिवायती सास बनने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। ओके। वैसे तुम्हारी बुरियत का एक हल है मेरे पास। वो क्या? मुझे तुम्हारे नए नवेले ससुर साहब है ना, तुम उनके पास जाके बैठो। हाँ लेकिन याद रखना, उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाने की बहुत आदत है, बस इस चीज से बाज रखना वरना तुम्हें सर दर्द की गोली नहीं गोलियां खानी पड़ेंगी। जाओ। ओके ओके। अरे भाई राबिया बेगम, ये क्या है, हैं? अरे भाई राबिया, तुमने आज एक ही सालन पकाया? कुछ आओ लो अवन को दाल वाल बना लेती हैं, आज बहू आई है भाई, हैं? कुछ तो ख्याल करती। और जो तुमने तारुफ कराया ना मेरी बहू से मेरा, उसका ये मैं समझ लूंगा तुम्हें। जी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतनी आसानी से आपको बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। बहू क्या है, खातून सही कह रही है या मैं ऐसे ऐलान जंग समझूं उनके खिलाफ? जी बिल्कुल नहीं दाद, ऐसा कुछ नहीं है। लो ये जवाब आ गया। उन्होंने माफ किया तू। क्यों बहू, क्या ऐसा नहीं है? अरे क्यों बच्ची को कंफ्यूज कर रही है आप, खाना तो खाने दे उसे। लो बेटा लो बेटा। कंफ्यूज मैं नहीं, आप कर रहे हैं उसे। क्या बाकी छुरानी तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या कहा था मैंने बेटा, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना? वैसे मैंने भी बहू से कह दिया है कि राबिया बेगम ने अगर जरा सी भी कोशिश की ना टिपिकल सास बनने की तो सीधी मेरे पास चली आ। बड़ा आसान है किसी की आदतें बिगाड़ना, लेकिन उन आदतों को बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें ये दिल पर ले लें और रिश्तों का लिहाज भूल जाए। अरे बेटा मजाक कर रहे हैं यार, जिसके साथ मजाक कर रहे हैं उसे जान तो जाए। अरे मियाँ हम अपनी बेटी को जान भी गए हैं और पहचान भी गए हैं। क्यों बेटा,
ये जरा 1000 तो दीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, खबरदार। सारी रात सीने में जलन की वजह से ना मुझे सोने नहीं देंगे। चुपचाप खाना खाइए, अचार खाएंगे, खाइए। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ अधूरी बातें अपनी जात में पूरी होती हैं। तुम्हारे नेचर की शर्मिंदगी की वजह से मैंने तुम्हारी बात काटी, वरना मैंने काटनी नहीं थी। जिसको तुम शर्मिंदगी कह रही हो ना, वो मेरी अपनाइयत है। मेरे ख्याल से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। हम मैं मॉम डैड से यही बात कर रहा था बस। ओके। तुम्हारे बारे में एक बात बताऊं? बताऊं? चाहते हुए तुम्हारी मुस्कुराहट कोई भी देख के पागल हो जाए। जानती हो ना? अब जान गई हूं। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखना, मेरे सिवाय कोई तुम्हारी मुस्कुराहट मत देखे। इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या बदनसीबी? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि ऐसे लोगों को हमारे माशरे में सनमुरीद के अलकाब से नवाज दिया जाता है। अच्छा, तो यानी कि बीवी से मोहब्बत करना जन मुरीदी कहलाती है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ हाँ, उसकी आदत है इस तरह की बातें करने की। हाँ तुम आओगी ना तो मैं पूरी बात बताऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सारी जिंदगी गुजार दी लॉन के सस्ते सूट पहनकर और नाक मुंह ऐसे चढ़ा रही है जैसे। नहीं, मैं नीलोफर को इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इतना भी ख्याल नहीं किया कि मेरे इकलौते बेटे की शादी है, जो दे रहे हैं चुप करके ले लो। मैं भी जमील की शादी पर ना इतना ड्रामा रचाऊंगी कि सूट समेत इसे सब कुछ वापस करना पड़ेगा। आपने तो देखी थी ना बरी, क्या कमी थी उसमें। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ। तो फिर कुछ कहते क्यों नहीं है? या बहन की खुशी बीवी की खुशी से ज्यादा अजीज है आपको? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रवानगी है? डैड कहीं नहीं, कल से ऑफिस की नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी तो मैंने कहा छुट्टियों को यूटिलाइज कर लें। अरे साहब साहब, क्यों नहीं कहते? घूमने फिरने जा रहे हो, इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? कुछ बातें घुमा फिरा कर करना बहुत जरूरी होता है जनाब। खैर तुम लोग जाओ भाई, अगर इनकी बातें शुरू हो गई ना तो घूम आए तुम लोग फिर। यार मैं तो इतनी देर से खामोश बैठा अखबार पढ़ रहा हूँ, यही बोले चले जा रही हैं। अरे मुझे कहने में बोल रहा हूँ। जाओ बेटा, तुम लोग जाओ खैर से। क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या वजह जान सकता हूँ? मॉम एंड डैड कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे ना, ये वजह है तुम्हारी मुस्कुराहट की। तुम्हारे लिए सब नया होगा, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। लव मैरिज थी उनकी? पता नहीं, कभी पूछा ही नहीं। आई एम प्रीटी श्योर लव मैरिज ही होगी। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मोहब्बत के बारे में बहुत जानती हो। उन्हें देख के तो कोई भी बता सकता है। पूछूंगा डैड से। पता नहीं है शर्त, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। शर्त इतनी बुरी नहीं है कि जिसके हार जाने से तुम्हें डर लगे। तुम्हें तो बल्कि खुशी होगी। लगाते हैं? बताओ।
अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा। आमिर अमीर का कलाम है। अच्छा, तो शायरी का भी शौक रखती हैं आप? हाँ बस थोड़ा बहुत, पढ़ने की हद तक। और तुम? कॉलेज में मुझे एक छोटा सा शायरी का दौरा पड़ा था। अच्छा। कॉलेज में हुई थी एक लड़की से वहां पर। फिर क्या, प्यार का इजहार नहीं किया, वो चली गई। चली गई? क्या मतलब चली गई? मोहब्बत बुजदिलों का काम नहीं है। इस एहसास ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मगर तुम्हें पाने के बाद तुझे खोने का मुझे कोई गम नहीं। मुझे भी हुई थी एक बार मोहब्बत एक लड़के से, मेरा क्लास फेलो था। क्या तुमसे भी कोई गलती हुई जो मुझसे हुई? नहीं नहीं, मैंने तो उसे बता दिया था, लेकिन उसने जवाब में मुझसे कहा कि कैसा, यू आर लेट, तुम लेट हो गई हो। मैंने कहा मैं लेट नहीं हुई हूँ, इनफैक्ट मैं तो बच गई हूँ, क्योंकि जैसे मोहब्बत तुम कहते हो वो तो मोहब्बत नहीं होती। तुम लेट हो गई हो क्या मतलब? अगर मैं पहले आ जाती तो क्या उससे पहले मुझसे मोहब्बत होती? मतलब मोहब्बत है, सौदाबाजी तो नहीं है ना। चलें, देर हो रही है। एहतसाब, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग जाए। राबिया, राबिया जी। अरे तुम लोग आ गए? क्यों, क्या हुआ? तुम तो घूमने गए थे। लेकिन तुम तो हफ्सा को घुमाने लेकर गए थे ना? रहने नहीं गए थे, घूमने गए थे, घूम लिया। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। क्या हुआ, क्या गलत कह दिया? पता नहीं, लेकिन मीठा मुझे एक मिनट, जाओ बेटा तू अपने कमरे में। क्या कहने लगी थी? क्या कहना है, मैं तो उससे पूछ रही थी ना। देखिए ये वक्त ना तो कुरेदने का है और ना समेटने का, भी आपस में लड़े हैं तो मना भी नहीं एक दूसरे को। लेकिन अभी तो कुछ ही दिन हुए उनकी शादी को। राबिया, जिंदगी के पहले कदमों को उन्हें अपनी मर्जी से उठाने दीजिए। भाई डगमगाएंगे तो हम हैं ना संभालने के लिए, और मेरा ख्याल ये है कि अभी इनके मामलात में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मामलात ठीक नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे। लिहाजा फिलहाल इन्हें आप इनके हाल पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। मैं तो आया था इसलिए कि मैं आपसे कहूंगा अच्छा है। फिलहाल ला रही हूं। कैसा लग रहा है यहां से बाहर का? खिड़की बंद है, बताना मुश्किल है। खिड़की खोलोगी तो सन्नाटा शोर में बदल जाएगा, ये बात तुम जानती हो? मुमकिन है। जानकर अनजान बन रही? मैं जानती हूँ तुम मेरी किस बात पे खफा हो। अच्छा, हैरत है? वो मेरा माजी था। मैंने पूछा था, तुमने भी तो मुझे अपने बारे से बराबरी करने का सोचना भी मत। और अगर सोचा ना, मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा।
मेरी मॉम ने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है डैड, प्लीज ट्राई करें। वाकई बिरयानी बहुत मजे की बनाई है आपने। थैंक यू सो मच बेटा। ये बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाती है। हद करते हैं आप। अरे भाई आपसे मोहब्बत है तो कह रहा हूँ यार। बहुत। डैड मुझे आपसे पूछना था, आप लोगों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव? क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा दावा था कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। मेरे दावे से एक्चुअली कुछ लोगों को मेरा किरदार पता चल जाएगा। अपने दावे को अपने किरदार से अलग कर लो, समझे? और क्यों भाई, हमारी लव मैरिज थी ना, हमारी लव मैरिज थी। क्या क्या वाकई? तुम्हारी मिसी बात ने तुम्हारे दावे की खलई खोल दी। तुम मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते मानते हैं क्यों बेगम? ठीक कह रहा हूँ मैं? आप भी ना। ये सर आचार दे। देखो बेटा, अपनों के हाथों हार को भी जीत की तरह सेलिब्रेट करना सीखो। ये बड़े गौर की बात बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा बस कीजिए, ये दावों की बातें बाद में कर लीजिएगा, खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। इतना काफी आचार? सॉरी, तुम शर्त जीत गई। शर्त जीतने के मुताबिक मैं तुम्हारा हुआ। जो तुम कहोगी, जैसे कहोगी, वैसे होगा। मैं गुलाम हूं तुम्हारा। प्लीज ऐसा मत कहो। मुस्कुराकर कहोगी तो शायद मान लो। तो फिर मान लो। बहुत। अब इस खुशी के मौके पर उसका नाम भी बता दो। किसका? उसी का जिससे तुमने मोहब्बत की थी। और कितने थे जो तुम पूछ रही हो किसका? बताओ ना, बताओ ना, उतनी बेशर्मी से बता दो। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, मैं बुरा मानूंगा भी नहीं। क्या देख रही हो? मैं उसका नाम पूछ रहा हूं जिससे तुमने मोहब्बत की थी। बता दो कि तो खुशी हो जाए, नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, बस हम गुलाम बन के सो जाएंगे। और हां, सुबह तक अच्छी तरह से सोच लेना, क्या पता सुबह तक नाम याद आई जाए। हफ्सा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? एहतसाम को मिस कर रही हो?
नहीं, हाँ कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होता है मगर बाद में फिर। बाद में क्या? बाद में तुम्हें आदत हो जाएगी। अब जाओ, जाके आराम करो। मैं ठीक हूं। क्या हुआ है, कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे बेटा तुम खुश तो हो ना? आपको क्या लगता है? मैं जानती हूं कि एहतसाम थोड़ा गुस्से का तेज है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं। जीती रहो, जाओ अपने कमरे में जाओ। कहाँ जा रही हो? पानी ले रहे हैं तुम्हारे लिए। इधर आओ। तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे जी, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। खैर छोड़ो ना इस बात को, बस आइंदा के लिए ख्याल रखना। जी। जी का क्या मतलब? यही कि आइंदा तुमसे ऐसी कोई बात ना कर। हरकतें करो ये अच्छा है, हरकतें करोगी लेकिन बताओगी नहीं। वाह, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर किया वो सब मेरा पास था। मैंने वजाहत मांगी है तुमसे। तुम मुझे अज़ियत दे रहे हो। अपनी आवाज नीचे करो, क्योंकि अगर मैं अपनी आवाज ऊपर करूँ ना तो इस घर के सब दीवान तक को तुम्हारी करतूतों का पता लग जाएगा। किस किस को सफाई देती फिरोगी, किस किस को कन्विंस करोगी? अगर मॉम और डैड तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम क्या करोगे? दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा मैं। जाओ और अपने आंसू साफ करके नीचे जाना, और अगर किसी ने तुमसे पूछा तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम नहीं बता पाओगी। जाओ। रुको,
किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, कान में दर्द हो रहा था तो ये ईयर ड्रॉप्स डाले थे। उठाया क्यों नहीं मुझे? दर्द कैसे है? ठीक है। बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। कितना अच्छा होता ना अगर तुम्हें ये ख्याल पहले आ गया होता। अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने से पहले कान में अगर दर्द है तो बताओ। नहीं, ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तुमने अभी तक उसका नाम नहीं बताया, कहीं ये डर तो नहीं कि नाम जानने से मैं उसकी जान ना ले लूं? अरे विलन समझ रखा है क्या? विलन था नहीं, तुम्हारी वजह से बन गया। मैं तो हीरो बनना चाहता था, मगर हीरो बनने के लिए अब मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। प्लीज डोंट डू दिस। खुदा का वास्ते मेरे साथ ज़ुल्म मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्या हो गया, तुम परेशान मत हो, क्यों रो रही हो? चुके मैं तो दो मोहब्बत करने वालों को एक करने का सोच रहा हूं। I'm sorry. It's okay. It's gonna be okay. मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे मदद मांग, किसको बताऊं? मामा को बताती हूं तो कहीं वो इत्तेसाम की तरह मुझसे बदसन ना हो जाए। क्या डैड को बताऊं, शायद वो मेरी बात समझ जाए। नहीं, इत्तेसाम इतने कम नजर और दिल के इतने छोटे होंगे, सोच भी नहीं सकते थे। हफ्सा बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? कितनी दफा तुम्हें मना किया है कि यहां मत आया करो, तुम फिर आ गए, क्या हुआ है? एहतसाम ने कुछ कहा है? रो क्यों रही हो बेटा? अच्छा मुझे बताओ, एहतसाम ने कुछ कहा है तुम्हें? हाँ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे मामा की याद आ गई थी। ओफो, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? साफ करूं आंसू, मैं एहतसाम से कहूंगी कि वो कल तुम्हें अपनी मामा के घर ले जाए, मिलकर आ जाना। अब शाबाश, रोना बंद करो, वरना अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी, पूछना शुरू कर देंगे मेरी बेटी को क्यों रुलाया,
क्या मैं मामा को बता दूं? नहीं, तू कुछ लेने नहीं बेटा? जी मैं ले रही हूं। मैं तो कोई लेती हुई नजर नहीं आ रही हो। किसी की याद सता रही होगी। क्या मतलब? मेरा मतलब अफसा को घर वाले याद आ रहे होंगे ना? क्यों अफसा? ऐसा ही है ना? इंतजाम तुम्हें काम करना, कल जब ऑफिस जाओगे ना तो हमारी बेटी को इसके मैके छोड़ देना, वापसी पर ले लेना वहां से। आप कहते हैं तो छोड़ आता हूं, वैसे भी मुझे आपसे कुछ खाने के बाद बात करनी है। तो भी कर लो। मैं कहीं नहीं जा रही और ना ही मुझे किसी की याद सता रही है। मैं इधर ही ठीक हूं। अफसा बेटा, इसे क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है उसे? मैंने कुछ कहा होता तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होता। मुझे ना कुछ चीजें अभी फिगर आउट करनी है। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ, पहले इसको तो देख लूं। चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में? क्या था ये? क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मैं एक बदकिरदार औरत हूं? मुझसे इस लहजे में बात मत करना। तुमने मजबूर कर दिया मुझे इस लहजे में बात करने पे। मेरा लहजा तुम्हारे करतूतों को सुनने के बाद ऐसा हुआ है। क्या क्या करतूत है मेरे? अगर मैंने अपनायत में तुमसे अपने दिल की बात कह दी तो तुम ये सजा दोगे मुझे? तुमने भी तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, मुझे तो बुरा नहीं लगा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने पूरी बात छुपाई है मुझसे। मैंने तुमसे बात नहीं छुपाई, यही पूरी बात है। छुपाई है तुमने मुझसे। क्या है पूरी बात? तुम जैसी बदकिरदार औरत को तुम इत्साम। बस यही की था या इसके अलावा भी कोई और था? आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए ना तुम्हारे किस किस के साथ अफेयर्स रहे हैं। लेकिन ठहरो, पहले मैं जरा एहतसाम से पूछना चाहूंगा कि ये शादी से पहले क्या कुछ करते रहे? डैड आप ये ज्यादती कर रहे हैं। डैड मैं ज्यादती कर रहा हूं? मैं? और जो तुम रोज जंगली जानवर की तरह मेरी बेटी को नोचते हो वो क्या है? अगर अपनी मासूमियत में उसने अपने बारे में तुम्हें कुछ बता दिया है तो इसका मतलब है कि तुम उसे दलील करते रहो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस भी कीजिए आप। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं। आप बात ही तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। बताओ हफ्सा को अपने अफेयर्स के बारे में। मैं बता चुका हूं। फलक के बारे में बताया जिसकी मोहब्बत में मुबतला होके आपने अपने हाथ की रगें काट ली? और उस सामने वाली सायमा जिसके माँ बाप ने शादी से इनकार कर दिया तो आप उसकी लड़की भागा के ले गए? डैड प्लीज। बुरा लग रहा है भाई? मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपने अपने तमाम अफेयर्स के बारे में हफ्सा को बता दिया भाई? को रह गया तो मैं बता दूं। अरे हाँ लो, वो आखिरी वाला तुम्हें भूल ही गया जो अभी लेटेस्ट हुआ वो। डैड प्लीज चुप हो जाएं। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों ना बताऊं उसे तुम्हारे बारे में? क्या क्या जगह मारते रहे हो तुम सारी जिंदगी? उसे भी तो मालूम होना चाहिए अपने शौहर के बारे में। डैड प्लीज, इनकी इतनी तस्दीक मत कर। ऐसा ना हो ये मुझसे नजर ना मिला पाए और ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक वो है और एक तुम हो। जीत रहा बेटा,
अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे पाक परवरदिगार। क्या सोच रही हो? मानोगे? हाँ। मुझे मेरे घर छोड़ दो। अभी? कल छोड़ाऊंगा। देखो माना कि मैं भरोसे वाला नहीं, मगर मायूस नहीं कराऊंगा। यहाँ बार भरोसे या मायूसी की नहीं हो रही, मेरे घर जाने की हो रही। मैं कल तक वेट नहीं कर सकती। माफ नहीं कर सकती मुझे? कर दिया, इसीलिए तो कह रही हूँ। तो फिर छोड़कर क्यों जा रही? कौन छोड़ के जा रहा है तुम्हें? तुम पागल हो तुम? मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद लड़की अपना घर अपने शोहर के घर को कहती है, तो फिर उस हिसाब से ये घर किसका हुआ? मनाना भी नहीं आता तुम्हें। डर गया था, समझ नहीं आया। तो फिर अब मनाओ। अरे अरे हंस क्यों रही हो? मैं कोशिश कर रहा हूं ना। इसे कोशिश करना कहते हैं? मुझे नहीं लगता तुम मना सकते हो। अफसर, I love you। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा, तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है। नदामत से भरी आंखें है, दो आंसू भी आया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे।